अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद वज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल वीवर्स है। मैं आज गंदम के ऊपर जो खुश कोरा पड़ रहा है इसके मुतालिक हम आपको बताएंगे कि इसके गंदम को कौन से फ़ायदे हैं और इससे नुकसान कौन सा हो रहा है जो गंदम को जो खुश कोरा पड़ रहा है इससे। तो व्यूवर्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले व्यूवर्स से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि डेली की डेली और नई से नई अपडेट आप लोगों तक आसानी से और बर वक्त पहुँच सकें। व्यूवर्स, अगर आपकी तरफ बारिश हुई है और उसके बाद कोहरा पड़ रहा है तो उसके हमारी ये जो गंदम है इसको तकरीबन 50 से 55 दिन की जो गंदम है उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और जो कि अक्टूबर काश्त का गंदम है, तकरीबन अक्टूबर के दरमियान में काश्त हो गई है और वो अभी गोब के मरहले में है और बाद जो सिटियाँ निकाल रही है, तो गोब की हालत में या पोलिनेशन के मरहले पर अगर ये कोहरा शुरू हो जाए तो उसके हमारी फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं। और हाँ, अगर आपकी गंदम की फसल 55 से 50 दिन की है या 45 दिन की है, नवंबर काश्त का गंदम है, नवंबर के वस्त में काश्त हुई है, तो उसको ये कोरा, जिस तरह कहते हैं पंजाबी की कहावत है कि कोरा रूड़ी दा बोरा, ये होता है कि रूड़ी यो जो हम गोबर वगैरह डालते हैं उसके जितने फ़ायदे होते हैं गंदम की फसल को, उससे उतने ही ज़्यादा इस ये कोरे से हमारी गंदम की फसल को फ़ायदे पहुँचते हैं। तो मेरी आज की बात का मतन ये है कि जो कोरा है वो 50 से 55 दिन की फसल के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। इसका 50 से 55 दिन की फसल बल्कि शगुफा साजी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। एक बात आपको और बता दूं, जब कोरा पड़ने लग जाता है तो ये जो गंदम की फसल होती है इसकी जो ऊपर वाली ग्रोथ होती है यानी कि इसके बढ़ने की जो इस्तेतात होती है वो रुक जाती है आर्जी तौर पर कोरे के दौरान, और जो ज़मीन वाली होती है ग्रोथ यानी कि जड़ें होती हैं, जड़ों की ग्रोथ जारी रहती है, वो यानी कि जड़ों की ग्रोथ नहीं रुकती और ऊपर से ग्रोथ रुक जाती है। तो जड़ें जितनी गहरी जाती जाएंगी हमारी ये जो गंदम की टिलरिंग है ये उसी तरह ही बढ़ती जाएगी। ज़मीन का टम्परेचर हाई होने की वजह से ग्रोथ जड़ों की नहीं रुकती, इसलिए हमारी ज़मीन को कोरे का, हमारी गंदम की फसल को ख़ासकर 45 दिन की या 50 दिन की जो फसल होती है उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारी थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।